गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप क्लास नाइन्थ। लेट अस गोइंग टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी एसएसटी रिलेटेड टू एसएसटी सब्जेक्ट। लेट अस गो फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी कि इंडिया के साइज के बारे में और उसका लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट सिविलाइजेशन इंडस रिवर्स वैली सिविलाइजेशन इज द सिटी सिविलाइजेशन एंड वेल डेवलप्ड सिटी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओवर द इयर्स इट हैज मेड द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी एंड इज ऑन द पाथ ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया एग्रीकल्चर रूप से स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया क्या है बहुत ही आगे, खास करके जो प्रेजेंट टाइम 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन का ये चला उसमें इंडिया की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वह टॉप लेवल पे। इंडिया इज द लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर अर्थ को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो लाइन ऑफ इक्वेटर होता है, लाइन ऑफ इक्वेटर डिवाइडेड इंटू द होल अर्थ हैव टू इक्वल हेवन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लेटिट्यूड्स 8 degree 4 लेटिट्यूड नॉर्थ एंड 36 degree 6 लेटिट्यूड नॉर्थ। यानी इंडिया की जो लेटिट्यूडनल कंडीशन है, जो पैरेलल लाइन है, प्रीवियस क्लास में क्लास 5, 6, 7, 8 में स्पेसिफिक 5, 6 में आप लोग लेटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, तो वही है इंडिया की जो लेटिट्यूडनल कंडीशन है 8 degree 4 लेटिट्यूड नॉर्थ एंड 36 degree 6 लेटिट्यूड नॉर्थ के बीच में एंड लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन 68 degree 7 लॉन्गिट्यूड ईस्ट एंड 97 degree 25 लॉन्गिट्यूड ईस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23.5 degree नॉर्थ एंड डिवाइडेड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट टू इक्वल हेवेल्स आर पार्ट। जो लाइन ऑफ कैंसर है यह इंडिया के मिडिल से एक रास होती है 23.5 degree नॉर्थ लेटिट्यूड से और यह टोटल इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील एंड सिक्स लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट बट ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया इज अ सिक्स लार्जेस्ट कंट्री एंड इंडिया देन आफ्टर सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द लैंड मासेस ऑफ द इंडिया हैज एंड द एरिया ऑफ 3.2 million स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वह 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर्स है, इसे 32,63,000 something किलोमीटर्स, 263 किलोमीटर्स इसके आसपास है एंड इंडिया हैज द टोटल एरिया है 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया टोटल वर्ल्ड के जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% बट यहाँ पे टोटल वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन सरवाइव करती है या यहाँ पे सिचुएटेड है,
यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2.4% टोटल एरिया का है, जो 100% में से 70% एरिया वाटर कवर्ड एरिया है अर्थ का एंड 30% एरिया लैंड कवर्ड एरिया। तो इन 30% के 100% एरिया में 2.4% एरिया इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, बट पॉपुलेशन यहाँ पे टोटल वर्ल्ड की 100 में से 17.5 सर्वाइव करती है। अब नेक्स्ट इंडिया लोकेशन एंड साइज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए कि आप लोगों को अगला वीडियो मिले। थैंक यू।